आई हुई सारी प्यारी संगत जी को नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले सारी संगत को, गुरु जी की प्यारी संगत को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बधाइयां। और नया साल गुरु जी की कृपा से सबका बहुत अच्छा रहे, सबको गुरु जी चढ़ती कला में रखें एज ही ऑलवेज डज। क्योंकि गुरु जी महाराज फर्स्ट थिंग फर्स्ट अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। सो विद हिज लव एंड हिज ग्रेस एंड हिज ब्लेसिंग्स हम सारी संगत, वी ऑल कैन फील प्रोटेक्टेड अंडर हिज अम्ब्रेला, अंडर हिज शरण। एंड ऑल्सो वी फील वेरी लाइक यू नो रिलैक्स्ड दैट कम वॉट मे गुरु जी इज देयर, वट एवर हैपन्स इन आवर लाइफ गुरु जी इज देयर टू टेक केयर ऑफ अस। And he's there, he's just there. And that reassurance itself, oh my God, that gives you so much courage and strength from within. Because as the Shabad says, Jisda Sahib Dada Hove, Tisnu Marna Sake Koi. So Hamare Guruji, jab Hamare Saath Hain, to Hame to Phir Kisi Aur Cheez Ke Bare Mein Sochne Ki Bhi Zarurat Nahi Hai, Sirf Guruji Maharaj Ki जितनी हो सके हम वडियाई करें, उस्तत करें, भक्ति करें, एंड वो भी महाराज ही करवाते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग्स को एंजॉय करते हुए हम सारे ही अपने नए साल को अच्छी तरह सेलिब्रेट करें। क्योंकि गुरु जी हमेशा, एज वी रिमेम्बर व्हेन वी लुक बैक इन दोस डेज आल्सो, गुरु जी बड़े मंदिर में जो पांच बड़े फंक्शंस होते थे उसमें न्यू ईयर फंक्शन यूज टू बी वन ऑफ द फाइव फंक्शंस, एंड इट यूज टू बी अ ग्रैंड अफेयर, लाइक सो ग्रैंड एंड सो ब्यूटीफुल। एंड सबसे बड़ी बात यह होती थी कि गुरु जी महाराज जो बड़े फंक्शंस बड़े मंदिर में होते थे उनमें ब्लेसिंग्स ऐसे भर भर के लुटाते थे, मतलब खजाने खोल देते थे ब्लेसिंग्स के। गुरु जी ने खुद भी कहा था, मुझे याद है, ये दीज आर लाइक एज वी कॉल देम फन फैक्ट्स। और जो एक उस समय की ये सब बातें अब याद आती हैं तो सत्संगी बन जाती है, बट दीज आर सच फन फैक्ट्स फ्रॉम दोज एरा। कि गुरु जी ने कहा था, जैसे तुम लोग अपने घर में जो स्टाफ होता है तुम्हारा, तो तुम लोग जब तुम्हारी एनिवर्सरी होती है, बर्थडे होता है, तुम उसे एक्स्ट्रा बख्शीश देते हो, राइट? तो उसी तरह से जो बड़े फंक्शंस है इनमें मैं भी तुम्हें एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स की बख्शीश देता हूँ। तो ये एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स की बख्शीश को एंजॉय करिए, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स है गुरु जी की नए साल में। और इसीलिए गुरु जी देते हैं क्योंकि उन्हें पता है हु नीड्स वॉट एंड वेयर। उनको अपनी संगत का एक एक सब कुछ पता रहता है, किसको क्या चाहिए इन दोस डेज ऑल्सो एंड टिल टूडे। गुरु जी महाराज नोज अस इनसाइड आउट, उन्हें पता है कि हमें क्या चाहिए, वाई वी आर हियर, वॉट फॉर वी आर हियर। डजेंट मैटर उस टाइम पे भी किसी की स्पिरिचुअल नीड्स थे, किसी की फिनेंशियल थी, किसी की वट एवर हेल्थ प्रॉब्लम्स, बट गुरु जी महाराज को सबका सब कुछ पता रहता था। एंड ही ब्लेस्ड द संगत एट मल्टीपल लेवल्स, ग्रॉस लेवल, फाइन लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, सो मेनी लेवल्स। एंड गुरु जी जानते थे किसको किस तरह से ब्लेस करना है, किसी को लोटा देके ब्लेस करना है, गड़वी देके। मुझे गुरु जी ने दो बार कॉपर की गड़वी जो गुरु जी ने पहली बार ये वर्ड गुरु जी के ही मुंह से सुना था, गड़वी, मुझे तो पता भी नहीं था गड़वी मतलब कॉपर का लोटा। और जब गुरुजी तो बस एक बार बोल देते थे तो बस उसके बाद दोबारा ना पूछने की हिम्मत होती थी ना गुरुजी रिपीट करते थे कभी। लेकिन गुरुजी ने विदिन आई थिंक विदिन अ मंथ हमें बोल दिया था, मुझे बोला गड़वी ले आई। तो अब गड़वी भी मुझे नहीं पता थी क्या होता है, और मैंने बाहर आके पूछा था आंटी से, एंड देन आई गॉट टू नो। एंड आई ऑफकोर्स एक कॉपर का न्यू शाइनिंग लोटा मैंने खरीदा विद लिड, एंड क्योंकि वो भी गुरुजी ने, सी गुरुजी डिजाइन्स एवरीथिंग, उन्होंने ही वहां पे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जो सेल्फ सफिशिएंट था, सेल्फ सस्टेनिंग था, एंड इट यूज्ड टू बी अलाइव।
Like that whole environment was created by Guruji in such a way. Sometimes I used to feel it's a simulation, simulation of the world above. It is Sachkhand here. Because वहां पे जो कुछ होता था वो इस दुनिया के normal जो worldly laws हैं उनसे explain नहीं किया जा सकता था. कभी भी आप जो अगर कॉज एंड इफेक्ट की आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग लाइक दिस बट इफ वी थिंक अबाउट इट द कॉजालिटी द कॉज एंड इफेक्ट ए लीड्स टू बी बी लीड्स टू सी 2+2=4 ये सारे रूल्स वहां पे डिफाई हो जाते थे गुरु जी के यहाँ पे. कॉज एंड इफेक्ट डजेंट अप्लाई देयर, रीजनिंग डजेंट अप्लाई देयर, रैशनल्स दे डोंट इवन वर्क देयर. ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ग्रेस और उनकी ब्लेसिंग होती थी जो संगत को क्या बोलूं जिंदगियां बदल देती थी. संगत की गुरुजी महाराज जब बैठते थे और अगर वो अपने उस डिवाइन चोले की इवन जो चोला साहेब है उनका वो भी जागृत है अलाइव है उस चोले में गुरुजी उस डिवाइन अपने चोले में संगत के सारे दुख दर्द तकलीफें सब कुछ समेट लेते थे और उससे गुरुजी इतना कल्याण करते थे संगत का. अगर वो अपने छोले की एक सिलवट भी ठीक करे एक क्रीज भी ठीक करे ही इज चेंजिंग सो मेनी लाइव्स. कितनी संगत की जिंदगियों की वो सिलवटे उन्होंने निकाल दी उस एक अपने हैंड जेस्चर से. So we can never ever understand or explain Guruji's blessing. और Guruji क्या है वो जानना तो मतलब कोशिश भी करना बेकार है. Because even in Shiv Puran it is said मन सहित वाणी जहां जाकर लौट आती है. Like हमारा human intellect और हमारी अपनी जो human capabilities है perception है speech है that can never understand or explain or describe Guruji. Guruji is way beyond that, way beyond the barriers of time, distance and space. Samay, desh aur kal ki seemaon se pare, kal ki seema se pare. To naya saal waise to hum manate hain aur Guruji bhi sangat ko bahut khush देख के बहुत खुश होते थे गुरुजी संगत को खुश देख के. संगत का अपनी इतना ध्यान रखते थे गुरुजी संगत को अच्छा लंगर मिले संगत को अच्छा कंफर्टेबल सब कुछ हो और संगत को ही देख के गुरुजी खुश होते थे. संगत को खाता देख के गुरुजी का पेट भर जाता था. गुरुजी तो हमारे सामने कभी खाते भी नहीं थे और गुरुजी ने ये जो स्वरूप अपना दिया है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी दिस इज फॉर एंटायर संगत. And this is such a big written assurance from Guruji for the entire Sangat that blessings always, perpetual, never ending, beyond time. क्योंकि Guruji की blessings beyond time ही होती है. Even in the other side, even whenever, like Shiv Puran जब पढ़िए और गुरु जी ने भी कई बार ऐसा इनडायरेक्टली बोला सचखंड के बारे में वहां की संगत के बारे में. तो व्हेनेवर दैट आल्सो हैपेंस गुरु जी इज देयर टू टेक केयर ऑफ ईच वन ऑफ अस एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग फ्रॉम इनसाइड. तो सबसे पहले शुरू का थोड़ा बताती हूँ बिकॉज गुरुजी कहते थे शॉर्ट पिच सुनाई शुरू से सुनाई एंड गुड़गांव की संगत हूँ इसलिए सत्संग करने का हुक्म मिला हुआ है. तो गुड़गांव में ही सबसे पहले गुरुजी ने संगत को आज्ञा दी थी सत्संग करने की एंड हैव बीन वेरी वेरी ब्लेस्ड कि गुड़गांव से ये सफर शुरू हुआ ये जर्नी इस जन्म की गुरुजी के चरणों में वहीं से शुरू हुई इसलिए गुड़गांव विल ऑलवेज हैव अ स्पेशल यू नो प्लेस इन माई हार्ट नो मैटर वेर एवर आई एम. तो ये सफर गुड़गांव से शुरू हुआ शादी के 3-4 साल बाद हम पहले यूके चले गए माई हस्बैंड विकास अंकल और मैं और फिर हम वहां से लौट के आए और हम गुड़गांव में रहने लगे. डीएलएफ फेस 4 में हमने घर लिया. हमारी नेबर थी हम सबकी प्यारी भाटिया आंटी और वो हमें गुरुजी के पास लेके गई
उन दिनों में गुरुजी का दरबार ओपन नहीं होता था इतना, एज एवरीवन नोज थर्सडे टू संडे होता था। ऑल्सो गुरुजी ने उतना परमिशन भी नहीं दी हुई थी हर किसी को लाने की और दरबार को ओपन करने की, क्योंकि गुरुजी नोज कि किसकी क्या टाइमिंग है। अभी भी कई लोग होते हैं जो कहते हैं हम तो उसी नेबरहुड में रहते थे और हमें कभी नहीं पता चला। दिस इज नॉट बिकॉज यू डिड नो, इट्स बिकॉज गुरुजी ने वो टाइम आपके लिए सही नहीं समझा। एंड ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा, यू नो इट्स नॉट लीनियर, इट्स सर्कुलर। टाइम इज नॉट लीनियर इन गुरुजी दरबार, टाइम इज सर्कुलर। आप कहीं से भी शुरू करें वहीं से आप शुरू हो जाएंगे। जहां से भी गुरुजी आपको हैंड पिक करके अपने पास बुला लेंगे आपकी जर्नी वहीं से शुरू हो जाएगी। यू डिडंट लूज एनीथिंग, इट्स ओके। सो कई बार लोगों को बहुत रिग्रेट होता है कि हम नहीं गए या हम ज्यादा जा सकते थे, नथिंग। अगर गुरुजी को ब्लेस करना है आपको तो वो आपको एक बार बुला के ब्लेस कर देंगे। और अगर अपनी मर्जी से अगर हम अपने में ये कर्तापन लाए, वी आर द डूअर्स, और हम सोचे कि हम इतने बार बड़े मंदिर जाएंगे या हम इतनी बार गुरुजी के सत्संग में जाएंगे तो हमारा ये काम होगा, आई एम सॉरी, इट डजंट हैपन दैट वे। नो, ये सिर्फ गुरुजी की मर्जी होती है कि वो आपको कैसे ब्लेस करेंगे। और अगर हम सरेंडर कर देते हैं, जो कि गुरुजी के दरबार में मैंने कुछ जो व्हाट डू आई से, रूल्स ना सही, लेकिन एक जो डॉक्ट्राइन्स बोल सकते हैं, 10 कमांडमेंट्स जैसा ऐसा कुछ भी नहीं था कि दीज आर द 10 कमांडमेंट्स यू हैव टू फॉलो। बट हाँ, संगत के ही थ्रू, गुरुजी तो कोई प्रवचन देते नहीं थे, गुरुजी तो कुछ बोलते ही नहीं थे, और गुरुजी तो मतलब ओ माय गॉड, सो अनप्रेडिक्टेबल। कभी कभी आप जा रहे हैं कई दिनों तक और गुरुजी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, और सडनली एक दिन गुरुजी आपको ऐसा कुछ बोल देंगे कि आपको लगेगा कि गुरुजी को अब तक का आपका सब कुछ पता है। इन जस्ट वन वर्ड ही विल डिस्क्राइब योर एंटायर लाइफ, एंड देन यू विल रियलाइज दैट ही हैज बीन वॉचिंग ओवर यू, He has been with you in this journey called life. तो गुरुजी ऐसे ही करते थे और कभी कुछ बोल देते थे, उससे ही संगत को एक तरह का एक मैसेज मिल जाता था, एक फॉलो करने के लिए हो जाता था कि गुरुजी ने ऐसे कहा है। बट अगेन, गुरुजी की जो बातें थी वो जनरलाइज्ड नहीं थी, वो हर किसी के लिए उनकी रेमेडी अलग होती थी। जैसे हर मर्ज की दवा अलग होती है, वैसे ही गुरुजी ने जिसको जो कहा, दैट वाज अ वेरी इंडिविजुअलाइज्ड प्लान, वेरी कस्टम मेड, वेरी इंडिविजुअलाइज्ड पर्सनल प्लान फॉर दैट पर्टिकुलर संगत। तो वो उस संगत का अपना एक यू नो, एक उसकी रेसिपी है टू फॉलो गुरुजीज ब्लेसिंग्स। डजंट मैटर कि उनको अगर बोला तो आपके लिए भी वो अप्लाई करेगा। अगर आपको वो करना है तो गुरुजी आपको बता देंगे, या फिर किसी तरह से आपको किसी संगत से मिलवा के वो कन्विंस करा देंगे कि हाँ, गुरुजी ने ये कहा है और आपको करना है। जैसे शिव पुराण पढ़ने को भी गुरुजी ने कुछ संगत को बोला, बट नाउ इट्स लाइक फॉर एवरीवन। अब तो शिव पुराण हर कोई पढ़ता है और ये गुरुजी का ही मैसेज है, बिकॉज गुरुजी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते थे। इसलिए शिव पुराण पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि गुरुजी जो कि महाशिव हैं, उनके क्या क्या गुण हैं, वो उनकी लीलाएं क्या हैं, वो क्या करते हैं, वो किस तरह से एकदम ब्रह्म से भी परे हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। तो ये सब जानने के लिए, एंड सिमिलरली शब्द वाणी, गुरुजी ने शब्द वाणी ही सुनवाई, उसी पे सारा जोर दिया, क्योंकि वो तो ऊपर से आई है, वो दूर की बाड़ी है, उसमें जो भी कुछ कहा गया है वो गुरुजी के लिए है। इसलिए तो ये गुरुजी के तरीके होते हैं संगत को अपना मैसेज देने के लिए, पहुंचाने के लिए। गुरुजी डायरेक्टली उस टाइम पे भी बहुत ही कम बात करते थे, और मुझे कहीं कहीं लगता है कि ये गुरुजी का अपना तरीका था, क्योंकि अगर बात करेंगे वी विल कन्फाइन हिम इन ह्यूमन फॉर्म। Maybe he was in human garb, in this facade he created for the Sangat, in his chola, but he was not this. वो तो महाशिव है जो ये human form लेके आए। So we even should not focus
अ लॉट ऑन हिज फिजिकल एट्रीब्यूट्स कि गुरु जी क्या खाते थे, गुरु जी क्या करते थे, दीज आर हिज फिजिकल एट्रीब्यूट्स. ये तो संगत के लिए उन्होंने एक क्रिएट करके रखा हुआ था, एक भ्रम, एक माया जाल, वो तो बहुत बहुत उससे परे हैं. बट एनी वे, सिंस वी आर ह्यूमन, वी फील मोर कनेक्टेड टू हिज ह्यूमन फॉर्म एंड दैट इज वाई वी थिंक कि हाँ, गुरु जी हमारे सामने बैठते थे, हमसे बात करते थे और गुरु जी ऐसे करते थे. इसलिए तो उस समय पे हम जब यूके से, लंदन से आए डीएलएफ में, तो हमारी नेबर भाटी आंटी हमें लेके गई और मुझे थोड़ा क्रिया योग में मेरा बैकग्राउंड था. मेरे फादर क्रिया योगी थे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी मैंने बचपन से पढ़ी थी हाई स्कूल में. आई वॉज इनिशिएटेड इन क्रिया योग एंड मेरी तलाश थी महावतार बाबा जी की, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे बस यही लगता था कि वो अजर अमर गुरु हैं और कहीं ना कहीं हैं और मुझे दर्शन जरूर देंगे, और मैं उन्हीं की तलाश में थी. ऑल्सो वेन लाइक वी आर ऑल सोल्स हियर, दिस इज जर्नी ऑफ आर सोल टू आर मास्टर. एक आत्मा की, एक रूह की अपने परम पिता परमात्मा से मिलने की ये जर्नी होती है. नो मैटर यू नो हाउ मेनी टर्न्स यू टेक इन दिस वर्ल्डली लाइफ. उस टाइम पे आई वॉज वेरी ब्रोकन हार्टेड बिकॉज आई लॉस्ट माई डैड प्रीवियस ईयर एट वेरी वेरी यंग एज ऑफ 62 एंड ही वॉज माई स्पिरिचुअल गुरु ऑल्सो. सो आई वॉज टोटली शैटर्ड फ्रॉम इनसाइड एंड वेरी लाइक माई हार्ट जस्ट ब्रोक इन टू पीसेस. आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन. एंड देन in that phase of my life when I was just you know adjusting in Gurgaon and lost my dad also, us ek bahut critical crucial time pe I was not like being myself those days, Guruji called me because he knows the right time for us. He knows ki hame sabse zyada unki blessing ki zarurat kab hai and kab hum sabse zyada receptive hote hain. हम सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं हमारे दुख के दिनों में, क्योंकि अगर सब बहुत अच्छी तरह से, गुरुजी की कृपा से अब तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता है तो सुख में दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, वही वाली बात है. हालांकि मेरा मेडिटेशन, क्रिया योग, हर चीज का बैकग्राउंड था, बट स्टिल इट टेक्स अ बैक सीट, बैक बर्नर. और गुरुजी ने उस एक ऐसे वल्नरेबल टाइम पे मुझे हैंड पिक करके बुलाया हमें. एंड आई एम सो 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 ग्रेटफुल फॉर गुरुजी महाराज फॉर दैट, बिकॉज उसके बाद से दिस जर्नी हैज बिकम जस्ट हिज मेहर, नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट. एंड विद गुरुजीज ग्रेस वी नेवर हैड एनी डाउट. ये भी गुरुजी का बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार है कि हमें पहले दिन से, मी एंड माय हस्बैंड बोथ, विकास अंकल, ही इज आल्सो लाइक अ वेरी टेक्निकल पर्सन, ही इज फ्रॉम आईआईटी दिल्ली इंजीनियर, एंड स्टिल लाइक बोथ ऑफ अस, हमें कहीं भी गुरुजी ने एहसास नहीं होने दिया कि कहीं भी कोई डाउट का जरा भी हमारे अंदर वो आए. हमें इट्स लाइक इट्स नॉट माई प्लेस टू से, एंड ये बहुत छोटा मुंह बड़ी बात, मैं कुछ भी नहीं हूं ये कहने वाली, बट गुरु जी ने हमें हमेशा ये एहसास दिलाया कि वो भगवान है और कोई नहीं है. अगर भगवान कहीं है तो ये है. इस धरती पे भगवान को हमने देखा. वी ब्रीथ इन द सेम एयर, वी वर इन द सेम रूम, दैट्स आर बिगेस्ट ब्लेसिंग इन आर लाइफ. ब्रीदिंग इन द सेम एयर एज एम, एंड मोर देन दैट आई डोंट नीड एनीथिंग, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग. रेस्ट इज ऑल हिज ग्रेस, हिज मेहर, उनकी बख्शीश है. वो तो वैसे भी बाय प्रोडक्ट्स हैं, बाकी सारी वर्डली चीजें आती रहती हैं, आ जाएंगे, बट इस जिंदगी में भगवान का मिल जाना इससे बड़ा
कुछ उपलब्धि अचीवमेंट कुछ होता है क्या? ऋषि मुनि आप देखिए, नचिकेता कितना उन्होंने यमराज जी के पीछे जाके तपस्या की, तब जाके उनको इतने प्रश्न पूछे, इतने ब्रह्म ज्ञानी, इतने ऋषि मुनि सब होते हैं, किसी को भगवान नहीं मिलते और हमें ऐसे ही मिल गए। तभी गुरु जी कहते थे मुफ्त में रब मिल गया है, इसीलिए कदर नहीं करते हो तुम लोग, बहुत सस्ते बीच मिल गए, कुछ भी नहीं किया। हाँ, बट आई एम श्योर समवेयर वी ऑल मस्ट हैव डन समथिंग वेरी वेरी राइट फॉर श्योर। सो दिस जर्नी बिगैन एंड वी स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी। माय फर्स्ट दर्शन, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट पियर्सिंग गेज ऑफ गुरुजी, दैट ग्लैंस इज स्टिल ऑन माय सोल इम्प्रिंटेड एंड वेरी वेरी डीपली इम्प्रिंटेड ऑन माय साइकी। आई कैन नेवर ओवरकम दैट। सो विद दैट ओनली दिस जर्नी स्टार्टेड एंड वी स्टार्टेड गोइंग। सिंस नया साल है, एक नया साल का वर्डली सत्संग सुनाती हूँ क्योंकि स्पिरिचुअल सत्संग बहुत थोड़ा सा मेरे लिए भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बट एक वर्डली सत्संग ये है कि जब हमने जाना शुरू किया तो गुरुजी ने कुछ दिनों बाद मतलब हमें एक गाड़ी दिला दी, जो कि हम गुड़गांव में नए नए सेटल ही हो रहे थे, तो हमने एक कार खरीदी एस्टीम, और उसको फर्स्ट डे ही गुरुजी के पास हम उसकी चाबियां लेके संडे को मतलब कार को लेके गए बाहर। एम्पायर स्टेट में गाड़ियां खड़ी होती थी और वहां से हम वॉक करके अंदर जाते थे, और वॉक करके जब वहां से अंदर गए और वहां से जाते समय भी गुरुजी की जो खुशबू होती थी ना, वो दैट यूज टू एनगल्फ यू लाइक अ कोकून। गुरुजी की खुशबू आपके चारों तरफ एक खुशबू का घेरा चलता था। और वहां पे जाके मेरे हस्बैंड विकास अंकल ने जब लंगर हो गया, क्योंकि लंगर के बाद वाला जो टाइम होता था जब चलते थे पंजाबी नंबर्स, वो जैजी बी एंड बहुत ही पैपी वाले सॉन्ग, सुरेंद्र कौर, जैजी बी, पंजाबी पॉप, तो उस टाइम पे जब लाइन लगती थी माथा टेकने की गुरुजी को, तो मेरे हस्बैंड ने विकास अंकल ने चाबियां गुरुजी के चरणों में रख दी गाड़ी की, और गुरुजी ने बड़े हंस के कहा ओए गड्डी ले ली, सानू भी ले ले। तो हमें तो बिल्कुल जैसे एकदम ही इतने प्लेजेंटली शॉक्ड वी वर कि गुरुजी ने कितने हंस के हमसे बात की और कितना प्यार से, दिस इज हिज लव, जस्ट फील हिज लव। Doesn't matter कि वो आपसे हर बार कुछ बोले, अब तो वैसे भी गुरुजी अपने निराकार रूप में हैं, तो अब तो वैसे भी फिजिकल कन्वर्सेशन की कोई जगह ही नहीं है, लेकिन वो जो प्यार है वो अभी तक है, वो प्यार गुरुजी का अपनी संगत के लिए बरसता रहता है। गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, तो उसी प्यार से गुरुजी ने इतने लाड़ से प्यार से कहा और हम बहुत खुश हुए रास्ते भर उस नई गाड़ी में बैठ के, बहुत खुशी खुशी। वैसे भी हम गुरुजी के यहाँ से बहुत खुश होके आते थे, नो मैटर जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, गुरुजी के यहाँ पहुंच गए मतलब एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। एंड नॉट ओनली अस, एवरीवन, All the sanghats, all the weary souls there. दिन भर के न जाने क्या क्या, कितने भी worldly, you know, problems, difficulties, जो भी face की हो, किसी को office में boss से problem है, किसी को घर में, किसी को कुछ, लेकिन गुरुजी के यहाँ जाते ही सब कुछ ठीक हो जाता था, क्योंकि उस time पे आप अपने अपने में रहते ही नहीं थे, आपकी identities तो सारी वहीं दरवाजे पे ही उतर जाती थी। You were bare souls इन फ्रंट ऑफ गुरुजी महाराज, अपना अस्तित्व, अपनी पहचान तो भूल ही जाते थे कि हम कौन हैं। तो जब हम घर आए तो ऑफ कोर्स वी वर वेरी हैप्पी, एंड फिर नया साल आया और नए साल पे हमने, हमारे एक रिलेटिव्स वहीं पे थे, उनके साथ हमने प्लान, मतलब उन्होंने प्लान बनाया जयपुर जाने का, एंड एज वी नो गुड़गांव से जयपुर इज वेरी लाइक व्हाट 5-6 आवर्स ड्राइव, और हम चले गए ये सोच के कि हम लौट आएंगे। प्रीवियस डे वी वेंट एंड वी वर वेरी श्योर दैट हम कुछ भी हो जाए कम्फर्ट में, हम सारे बड़े फंक्शन, गुरुजी की इतनी मेहर थी कि गुरुजी के साथ ही, गुरुजी के बड़े मंदिर में ही रहते थे, और गुरुजी यूज्ड टू मेक श्योर कि हम ऐसा करें, सो इट वाज नॉट इन आवर हैंड्स इवन इन दोज डेज। फर्स्ट टाइम पे ही गुरुजी ने शिवरात्रि का हमें कार्ड तो दूसरे बैसाखी का था, शिवरात्रि के लिए हमसे कहा था, बस उन्होंने ऐसा नजरें उठाई कहा शिवरात्रि पे आई बड़े मंदिर, और हम तो बिल्कुल मतलब हम एक तो वैसे भी बहुत नए थे एंड आल्सो वी वर वेरी यंग, लाइक वी वर लेट 20s, एंड
वो एक टाइम ऐसा होता है कि आप बहुत ऐसे मैच्योर भी नहीं होते हैं कि हर चीज बहुत प्रोसेस कर सकें, तो उस टाइम पे हमें वैसे भी हर चीज में बहुत, गुरुजी कुछ भी कह देते थे हम इतने एक्साइटेड हो जाते थे बिल्कुल, गुरुजी ने शिवरात्रि पे मंदिर बुलाया है, जाना ही जाना है। तो उस टाइम पे जब हम गए, जयपुर चले गए, और वहां से लौटने का प्लान था हमारा नेक्स्ट डे का कि हम 31st गुरुजी के साथ गुरुजी के बड़े बड़े मंदिर में मनाएंगे। नाउ व्हाट हैपेंड, ही एज यू ऑल कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, जो भी अभी इंडिया में दिल्ली में है कि इस समय वहां पे ठंड की क्या हालत है, हम तो यहाँ पे न्यूज में देखते हैं, इवन आई मीन डैलस, डैलस इज नॉट दैट कोल्ड, बट स्टिल यहाँ पे भी बहुत ठंड पड़ रही है अभी। तो दिल्ली में तो आप सोच सकते हैं कि 31st पीक विंटर, पीक एकदम फॉग, और उस दिन ऐसा हुआ नेक्स्ट डे 31st की मॉर्निंग जीरो विजिबिलिटी का फॉग हो गया, जीरो विजिबिलिटी, मतलब बिल्कुल दिन में रात हो गई और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। एंड जस्ट सी गुरुजी's मेहर, वी स्टिल डिसाइडेड टू गो, इट वॉज नॉट अस, ये तो गुरुजी थे जो हमसे करवा रहे थे, उनकी वो जो मैग्नेटिक पुल होती थी ये तो वो थी, क्योंकि उनकी मैग्नेटिक पुल हमेशा ऐसे ही होती थी, वो जब आपको अपनी तरफ खींचते थे तो नो मैटर आप कहाँ दुनिया के किस कोने में हैं, और अभी तक यही होता है, आप बस खींचे चले जाते थे गुरुजी की तरफ। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं हम जाएंगे, एंड इवन आवर रिलेटिव्स दे वर सेइंग कि डोंट गो, इट्स वेरी रिस्की, बट वी डिसाइडेड टू गो, एंड बच्चे छोटे थे, हम उसी गाड़ी में जो जिसकी चाबियां गुरुजी ने ब्लेस की थी, गुरुजी की ब्लेस्ड गाड़ी, उसी में हम वी स्टार्टेड, एंड एज एक्सपेक्टेड रास्ते में जीरो विजिबिलिटी फॉग, सो वो जो 5-6 आवर्स की ड्राइव थी दैट बिकेम लाइक 8 आवर्स प्लस। हमारी कोई चिंता नहीं थी एक्सेप्ट कि हम टाइम पे गुरुजी के पास पहुंच जाए, हम बड़े मंदिर पहुंच जाए, हमें मतलब सीधे वो अर्जुन के तीर की तरह सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी कि हमें सिर्फ गुरुजी के पास पहुंचना है बस। और रास्ते भर, ओ माय गॉड, ट्रस्ट मी, इवन द ट्रक ड्राइवर्स जो कि रात में ही गाड़ी चलाते हैं, वो साइड में गाड़ियां लगा के खड़े हो गए थे कि दे कैन नॉट ड्राइव इन दिस डेंस फॉग, लाइक इट वॉज जीरो विजिबिलिटी फॉग। इस तरह गुरुजी ने हमारी गाड़ी की स्टेयरिंग संभाली और आज तक संभाल रहे हैं, और वो खुद गाड़ी गुरुजी ही लेके हमें आए, एक डिम सी लाइट हमें डीएलएफ में आके दिखाई पड़ी जिसके पीछे पीछे हम फॉलो करते चले गए, दैट कार डिसअपीयर्ड एंड वी फाउंड आवरसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ बड़े मंदिर। उस टाइम पे तो बड़े मंदिर में गेट पे ही गाड़ियां लगती थी, एज वी ऑल रिमेम्बर, गेट पे ही गाड़ी लगा देते थे, थोड़ा सा सामने अगर जो राधा स्वामी प्लॉट है उसके आगे अगर गाड़ी लगती तो लगता था कि आज दूर गाड़ी लगानी पड़ी है, दोस वर द डेज। और उसके बाद हम जब निकल के गए, आई वॉज वेयरिंग अ साड़ी बिकॉज एट एवरी यू नो फंक्शन, ऑन एवरी स्पेशल ओकेजन आई वोर साड़ीज, एंड गुरुजी ने मुझे साड़ी, मैंने एक बार दिवाली पे पहनी, एंड गुरुजी ने मुझे बुला के हाथ के ऐसे इशारे से, जो गुरुजी का इतना डिवाइन ऐसे इशारा होता था हाथ का, मुझे हाथ में प्रसाद दिया, तो somehow I felt very very blessed, and that connection with saree established, so I wore the saree, trust me, बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी। गुरुजी के आसपास एक वॉर्म्थ, एक ऑरा उनका ऐसा होता था, उनकी जो वॉर्म्थ होती थी उसमें कभी ठंड नहीं लगती थी, और यू कैन इमेजिन दिल्ली 31st नाइट, एकदम ओपन एयर में आप कहीं भी किसी भी फंक्शन में चले जाओ तो कितनी ठंड लगेगी, बट वहां बड़े मंदिर में इन दीज ह्यूमन, विद दीज ह्यूमन आईज आई विटनेस्ड अमृत वर्षा, आई सॉ अमृत वर्षा विद दीज आईज। उस दिन बड़े मंदिर में शिवलिंग के ऊपर और पूरे बड़े मंदिर के प्रेमिसेस में अमृत वर्षा हो रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखी, द ड्यू ड्रॉप्स, जो ओस की बूंदें होती हैं, जो ड्यू ड्रॉप्स होती हैं, वो अमृत वर्षा थी, एकदम बिल्कुल धीमे धीमे झिमझिम वैसे करके पूरे बड़े मंदिर पे अमृत वर्षा हो रही थी। और गुरुजी महाराज अपनी 16 कलाओं में, जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, 16 कलाओं का संपूर्ण, कंप्लीट, होल, वैसे ही गुरुजी महाराज बैठे हुए थे, पूरी संगत को ब्लेस कर रहे थे, संगत पूरी आनंद से भरी हुई,
इतना आनंद, इतना सुख सिर्फ गुरु जी के साथ मिल सकता है और किसी भी जगह नहीं। सबको गुरु जी अपनी नजरों से ब्लेस कर रहे थे, अपनी मुस्कान से ब्लेस कर रहे थे, और गुरु जी के ब्लेस करने के तरीके यही होते थे, देख लिया और आप ब्लेस हो गए। ना सिर्फ आप बल्कि आपके न जाने कितने साथ वाले नियर एंड डियर वंस, फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपकी जिंदगी के कितने और आने वाले क्षण, कितने और आने वाले लोग, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड। एक नजर उठा के देख ले तो आपके कितने कुल तर गए। तो गुरु जी ने उस दिन बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत बहुत आनंद, और उसके साथ हम एकदम जैसे बिल्कुल वेल फेड बेबी होता है ना, उस तरह से बिल्कुल तृप्त होके घर लौटे। बट नाउ आई रियलाइज व्हेन आई लुक बैक कि वो लास्ट न्यू ईयर था गुरु जी के साथ, इसलिए गुरु जी ने हमें ऐसे खींच के बुलाया वहां से, क्योंकि उसके बाद तो दैट वॉज लाइक 2006 का न्यू ईयर। उसके बाद तो मई में गुरु जी ने महासमाधि ले ली थी, ये ह्यूमन चोला छोड़ दिया था, और दैट वॉज द लास्ट न्यू ईयर 2006 का। सो उसी न्यू ईयर की याद में आज तक हम रहते हैं और उन्हीं क्षणों को याद करते हैं, स्पेशली जब सत्संग होते हैं, व्हेन वी नरेट सत्संग। सत्संग शेयर करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये गुरु जी का हुक्म है सबसे पहले तो, और गुरु जी का हुक्म है तो कुछ और सोचने समझने की भी जरूरत नहीं है, गुरु जी ने कहा है तो करना ही है। दूसरी चीज, सत्संग गुरु जी ने कहा करने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है, दोनों तरफ गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। तीसरी चीज कि अपने गुरु की उस्तत करना पाठ तो भी बड़ा है, सबसे बड़ा पाठ तो यही है अपने गुरु की उस्तत करना, और पूरी लाइफ गुरु जी की उस्तत करते हुए निकलती रहे, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। नया साल, आने वाला साल, जैसे गौरी आंटी ने कहा, हम और भक्ति करें और गुरु जी के चरणों से जुड़े। गुरु जी को, गुरु जी बहुत ही, गुरु जी का ह्यूमर, ओ माय गॉड, गुरु जी बहुत हंसाते रहते थे, संगत उनके आसपास बहुत खुश रहती थी। जैसे एक वो शब्द बाणी तक गुरु जी बहुत बहुत लाइक इन अ ट्रांस, इवन संगत और गुरु जी खुद भी, गुरु जी हिमसेल्फ ऑल्सो, गुरु जी की तरफ कभी आप अगर देख लें, ही यूज्ड टू बी इन अ ट्रांस, लाइक ऐसा लगता था कि गुरु जी यहाँ सिर्फ दिख रहे हैं बट वो कहीं और हैं। एंड ऑफ कोर्स ही यूज्ड टू बी एट सो मेनी प्लेसेस, ब्लेसिंग्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ संगत्स एट द सेम टाइम, फ्रॉम प्रीवियस लाइव्स ऑल्सो, फ्रॉम दिस लाइफ ऑल्सो, और जो आने वाली है उसको भी। तो गुरु जी महाराज तो वहां सिर्फ दिखते थे कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो कहीं भी हो सकते थे। इसी तरह से गुरु जी महाराज जब भी कभी संगत को ब्लेस करते थे तो जरूरी नहीं था कि उसी समय आपको पता लगे कि आपको ब्लेसिंग मिली है। गुरु जी इसको गुप्त कल्याण कहते थे, कितनी ब्लेसिंग्स तो मैं ऐसे ही दे देता हूं, गुप्त ब्लेसिंग, गुप्त कल्याण, जो आपको हो सकता है आपको जिंदगी आपकी बीत जाए और आपको पता ही ना चले कि आपको गुरु जी ने ब्लेस किया था, इसलिए आपकी लाइफ ऐसी रही। ये गुरु जी हैं जो इतना कुछ आपका, हमारा कल्याण करके भी कभी हमसे बदले में कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते। एक आप योगा क्लास भी करने जाएं, यू हैव टू पे द फीस। एक हमारे गुरु जी थे जो जिंदगियां बदल देते थे, और सबसे पहले जब मैं गई थी तो मेरा यही क्वेश्चन था कितना डोनेशन होगा, एंड भारती आंटी से गुरु जी सिर्फ देते हैं, लेते नहीं है कुछ भी, ये हमारे गुरु जी हैं। तो गुरु जी से बढ़कर कौन हो सकता है, पूरी जिंदगी उनकी उस्तत में निकले, इससे अच्छा कुछ नहीं है। गुरु जी बहुत हंसी मजाक करते थे, तो गुरु जी के दो तीन बड़े फेवरेट वर्ड्स थे, एक था स्टाइलिश और एक था लेटेस्ट। तो लेटेस्ट मोबाइल, लेटेस्ट गाड़ी, ये सब गुरु जी, हमारा तो बेबी, लेटेस्ट बेबी गुरु जी के सामने ही, आई कंसीव्ड माई डॉटर एंड थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मैं गुरु जी के सामने ही बैठती थी, लंगर खाती थी, शी इज मेड ऑफ गुरु जी लंगर, और गुरु जी के सारे बच्चे हैं। गुरु जी ने कहा था मैं अपनी संगत के बच्चों को जो चुनी हुई सोल्स होती हैं उसके रूप में संगत को बच्चे देता हूँ। सो दीज आर ऑल गुरु जी की जो नई संगत है, जो आने वाली संगत है, वो सब गुरु जी के चोजन सोल्स हैं। इसीलिए गुरु जी का
कल भी गुरु जी का समय था, आज भी है और कल भी होगा, और अब और भी ज्यादा होगा, बिकॉज नाउ वी कैन सी वर्ल्ड वाइड जितने सत्संग हो रहे हैं, जितनी संगत जुड़ रही है, और सबसे बड़ी बात कि जो बच्चे हैं और नई संगत है, दे आर गेटिंग सो कनेक्टेड विद गुरु जी. इवन इन दोज डेज वी यूज टू सी एंड वी वर वन ऑफ देम, जो यूथ संगत बाहर सेवा कर रहे होते थे तो भी बिल्कुल कॉलेज स्टूडेंट्स, गुरु जी के यहाँ पे भी डाइवर्सिटी इतनी होती थी, एक तो आंटियां भी, ये भी नहीं कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप हो, सारे एज ग्रुप्स, ऑल एज ग्रुप्स, एंड वी वर ऑल्सो लाइक वेरी यंग. तो हमें लगता था कि यहाँ पे ये एक बहुत ही डिफरेंट जगह है जहां पे हर कोई आता है, नो मैटर विच सोशल स्ट्रेटा यू बिलोंग टू, एनी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एनी एज ग्रुप, वो सिर्फ गुरुजी की कॉलिंग होती है ब्लेस करने के लिए, एंड गुरुजी ब्लेसेस द इंटायर सोसाइटी इक्वली, फ्रॉम यू नो, इफ वी टॉक अबाउट सोशल स्ट्रेटा, फ्रॉम डाउन टू टॉप, गुरुजी सबको इक्वली ब्लेस करते हैं. एक तो मुझे सबसे पहला ही सत्संग पता लगा था कि एम्पायर स्टेट में एक वेजिटेबल वेंडर थे, सब्जी का ठेला था उनका, और उनकी आंखें खराब हो गई थी एंड ही वॉज ऑलमोस्ट ब्लाइंड, एंड गुरुजी ने उनको एक दिन ब्लेस कर दिया और उनकी आंखें ठीक हो गई विदाउट एनी सर्जरी, बिकॉज ही डिडंट हैव मनी फॉर दैट. तो वो ही मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने, मतलब एक वेजिटेबल वेंडर है, उनके ऊपर भी अपनी कृपा की. एंड नो मैटर कि गुरुजी के यहाँ पे सारे टॉप पॉलिटिशियंस आते थे, ब्यूरोक्रेट्स आते थे, मैं ही फर्स्ट डे जब गई थी तो मुझे, जब मैंने मेनका गांधी आंटी को देखा तो मुझे लगा कि ओके, यहाँ पे तो मतलब काफी वीआईपीस आते हैं, इज इट द राइट प्लेस फॉर अस, लाइक डू वी इवन बिलोंग हियर. बट उन्हीं मेनका गांधी आंटी के साथ जब गुरुजी ने अपने बिल्कुल चरणों में बैठाल के एक थाली में लंगर शेयर करवाया, देन दैट वॉज द आंसर ऑफ माई वेरी फर्स्ट थॉट कि यहाँ पे तो वीआईपीज आते हैं. नाउ यू आर पार्टेकिंग योर लंगर विद द सेम वीआईपी इन सिटिंग इन गुरुजी's दरबार, क्योंकि गुरुजी के लिए सब बराबर हैं. एंड दैट डे आंटी ऑल्सो टोल्ड मी टू वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस, एक तो फिनिश योर लंगर हियर, और जिसका लंगर है उसी को खाना है. ये दो चीजें उन्होंने मुझे बोली, क्योंकि मैं वो जो लड्डू था मुझे लगा कि मैं इसको रख लेती हूँ बाद में, तो उन्होंने कहा फिनिश योर लंगर हियर एंड ऑल्सो यू ईट योर लंगर, यू टेक योर लंगर. तो गुरु जी किस तरह से किसको ब्लेस करते हैं ये गुरु जी ही जानते हैं. इसी तरह से गुरु जी सबको ब्लेस करते रहे, वर्ल्डली लाइफ आपकी गुरु जी की कृपा से सब बहुत आराम से चलेगी. जस्ट ट्रस्ट हिम, मांगो नहीं मानो. अगर कुछ पहले का मुझे, सबसे पहले जो फर्स्ट लेसन आई हैव लर्नड इन गुरुजी's दरबार, फर्स्ट थिंग वॉज मांगो नहीं मानो. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गुरुजी कि उन्होंने मांगने का मौका आने नहीं दिया, बिना मांगे ही सब अपने आप से करते जा रहे हैं. तो कभी मांगने का ऐसा कुछ लगा नहीं. अब भगवान के मंदिर जाते हैं, हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो हम जाके वहां भगवान के दर्शन करते हैं, उनको मथा टेकते हैं, एंड ही टेक्स केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. उसी तरह से हम गुरुजी के पास जाते थे, मथा टेकते थे, दर्शन करते थे, और हमारा सब कुछ अगर हम वर्ल्डली टर्म्स में बात करें, जॉब्स, लाइफ, बच्चे, अच्छे स्कूल में एडमिशन, नया घर डीएलएफ में जो अभी भी है, गुरुजी का ब्लेस्ड घर है, ये सब तो होता गया. हम यहाँ यूएस आ गए, लाइक ये सिर्फ गुरुजी की मेहर है कि वी डोंट इवन रियलाइज ग्रीन कार्ड इन 6 months, एंड बाकी भी यहाँ पे लाइफ गुरुजी ने जैसे पहले से स्टेज सेट करके रखा हुआ था पूरा, क्योंकि गुरुजी को यहाँ पे भेजना था. सत्संग यहाँ पे शुरू हुए डालस में, आज डालस की संगत बाय लीप्स एंड बाउंड मल्टीप्लाइंग एवरी सिंगल डे, ग्रोइंग सो मच, और ये गुरुजी की मेहर के अलावा कुछ नहीं है. तो गुरुजी अपना काम खुद करा लेते हैं, आप बस नीवे होके उनके सामने सरेंडर कर दीजिए, आपका भी भला और जिसके
जिसके लिए गुरुजी ने आपके थ्रू कोई ब्लेसिंग भेजनी है, कोई मैसेज भेजना है, कोई सत्संग शेयर कराना है, इसीलिए सत्संग शेयर कराना बहुत जरूरी होता है। उस टाइम पे भी हम जब बाहर खड़े हो जाते थे, थोड़ा सा एक इम्प्रॉम्प्टू टाइप का, इनफॉर्मल टाइप का माहौल हो जाता था। एम्पायर स्टेट में दो तीन राउंड लंगर के होते थे, तो एक या दो राउंड के बाद बाहर संगत खड़ी होके थोड़ा, एक जो बकेट रखी होती थी उसमें से हाथ भी धोते थे लंगर के बाद भी और गुरुजी के दरबार में जाने के पहले भी, तो थोड़ा आपस में सत्संग शेयर करते थे। अब उस टाइम पे तो हमें ये भी, दीज आर न्यू टर्म्स फॉर मी, न्यू टर्मिनोलॉजी, शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता था, अब समझ में आने लगा है सत्संग शेयर करना। ये पहले हम जय गुरु जी भी नहीं बोलते थे, पहले तो हम नमस्ते ही कर लेते थे। तो उसी को आपस में हम, गुरु जी ने हमारे लिए क्या किया, लेटेस्ट क्या किया वो सुनाते थे, क्योंकि गुरु जी कहते थे शॉर्ट विच सुनाई लेटेस्ट सुनाई। तो यही है गुरु जी के सारे लेटेस्ट सत्संग, और गुरु जी सबको ऐसे ही खूब ब्लेस करने नए साल में और हमेशा, ऑलवेज, एज गुरु जी सेज ब्लेसिंग्स ऑलवेज। सो थैंक यू वेरी मच गुरु जी, थैंक यू। तो एक बहुत बहुत छोटा वर्ड है।